घर घर में दुल्हदुल को दूध जलेबी खिलाकर अकीदत का किया इजहार। माहे मुहर्रम की सातवीं को 1836 में कायम किया गया दुल्हदुल का गश्ती जुलूस पानदरीबा स्थित इमामबाड़ा सफदर अली बेग से भोर में निकाला गया, जो पूरे दिन और रात भर विभिन्न इलाकों में गश्त करने के उपरांत प्रातः 6 बजे अपने कदीमी इमामबाड़े पर पहुंचकर संपन्न हुआ। शाहगंज स्थित पानदरीबा से लगभग 187 साल से इमामबाड़ा सफदर अली बेग से निकाला जाने वाला दुल्हदुल का ऐतिहासिक जुलूस इस वर्ष भी अकीदत व एहतराम के साथ निकला। शाहगंज, पत्थर गली, बरनतला, मिन्हाजपुर, नखास, कोहना, अहमदगंज, काजीगंज, बख्शी बाजार, ताराबाबू की गली, अकबरपुर, रोशनबाग, सियाहमुर, बुढ़ा ताजिया, पुराना गुड़िया तालाब, दायरा शाह अजमल, बैदन टोला, कुल्हन टोला, हसन मंजिल, रानी मंडी, धोबी गली, यादगार हुसैनी गली, बच्चा जी धर्मशाला, डॉक्टर काजू रोड, कोतवाली, लोकनाथ चौराहा, गुड़मंडी, बहादुरगंज, अग्रसेन चौराहा, इमाम वजीर हुसैन छोटी चक, घंटाघर, सब्जी मंडी आदि क्षेत्रों में घर घर गश्त करने के उपरांत दूसरे दिन भोर में 6 बजे अपने कदीमी इमामबाड़े सफदर अली बेग पर पहुंचकर संपन्न हुआ। दुल्हदुल जुलूस के आयोजक मिर्जा बाबर बेग, सुहेल, शमशाद, जहांगीर, सलीम, मुन्ना, महे आलम, छोटे बाबू, मुर्तुजा अली बेग, मुजतबा अली बेग, रिजवान, सादिक आदि 24 घंटों के दुल्हदुल के गश्ती जुलूस में सिलसिलेवार एक एक घरों में दुल्हदुल ले जाने क्रम में सहयोग करते रहे। इमाम हुसैन के वफादार घोड़े जुलजनाह को घरों में दूध जलेबी व भीगी चने की दाल खिलाकर किया अकीदत का इजहार। सफेद चादर को खूनी रंग से छींटे देकर और गुलाब व चमेली के फूलों से सजा कर घर घर जियारत कराने के साथ अकीदतमंदों ने दुल्हदुल घोड़े को जहां दूध जलेबी खिलाए तो वहीं कुछ लोगों ने भीगी चने की दाल से भी दुल्हदुल का किया आदर और सत्कार। मन्नती दुल्हदुल पर सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए सुन्नी समुदाय की महिलाएं भी हाथों में कटोरा और बर्तन में दूध जलेबी भिगोकर गलियों में कतार लगाए खड़ी रहीं और जैसे ही दुल्हदुल पास पहुंचा भीगी आंखों से बोसा लेकर इस्तकबाल किया और दूध जलेबी खिलाए। एक ऐसा नजारा भी देखने को मिला जो अपने पुरखों की परंपरा को निभाते हुए डॉक्टर चड्ढा रोड, लोकनाथ व गुड़ मंडी में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले पुरुष व महिलाओं में देखने को मिला। हिंदू औरतें व मर्द नंगे पांव, महिलाएं सर पर पल्लू डालकर अपने छोटे छोटे बच्चों को दुल्हदुल से मसमत्था लगाने करने और बोसा लेने को बेताब रहीं। कईयों ने अपने बच्चों को दुल्हदुल घोड़े के नीचे से निकालकर मन्नत व मुरादे मांगी। 2 दर्जन अलम के साथ नौहा पढ़ते हुए डॉक्टर मुस्तफा के इमामबाड़े में गया दुल्हदुल जुलूस। दादा परदादा के समय से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए मुरादाबाद से खास सातवीं मुहर्रम के जुलूस में शरीक होने आए इंतजार मेहदी ने 2 दर्जन से अधिक अलम के साय में बरसों पुराना नौहा इस्लाम के दुश्मन पीते थे दरिया में छलकता था पानी। तारांकन वो चमका अलम वो निकले चचा, तारांकन घबराओ के न अब आया पानी। तारांकन डॉक्टर मुस्तफा के हाथे से 2 दर्जन से अधिक अलम लेकर इमामबाड़ा अली नकी जाफरी दायरा शाह अजमल पहुंचे। नौजवान दुल्हदुल को साथ लेकर नौहा पढ़ते हुए निकले दायरा तिराहे पर कुछ देर रुकने के बाद मातमी जुलूस डॉक्टर मुस्तफा तक गया। वहां पहले दुल्हदुल घोड़े को विश्राम देने के बाद दूसरा घोड़ा सजाया गया जो रानी मंडी के साथ बाकी घरों में ले जाया गया। खबर जगत के लिए LK सोनी की रिपोर्ट।